इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। नगर पालिका निगम कमिश्नर राहुल सिंह शहर में लगातार स्वच्छता मिशन को लेकर संवेदनशील नजर आ रहे हैं। छिंदवाड़ा को स्वच्छ रखने के लिए उनके द्वारा विशेष प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही निगम कमिश्नर राहुल सिंह का एक और मार्मिक कार्य सामने आया है जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। दरअसल सोमवार की देर रात जब पूरा शहर ठिठुरती ठंड से सो रहा था तब निगम कमिश्नर अपने अधिकारियों के साथ शहर में जगह जगह घूमकर ऐसे निराश्रित लोगों को ढूंढ रहे थे जो रिमझिम बारिश और ठंड के बीच सड़कों पर सो रहे थे। इन गरीबों को निगम कमिश्नर ने अपनी गाड़ी में बैठाकर रेन बसेरा पहुंचाया, जिसके बाद भी स्वयं भी रेन बसेरा पहुंचे और वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निगम कमिश्नर के इस नेक काम की हर किसी ने तारीफ की। तामिया के रोजगार सहायक को लोकायुक्त और ईडी के नाम पर डरा धमका कर वसूली करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दौरियाखेड़ा पंचायत के रोजगार सहायक तामिया निवासी दिनेश पिता श्यामलाल साहू ने पुलिस को बताया कि न्यूटन निवासी केबल ऑपरेटर लोकेश डहरिया और योगेश तिवारी ने उससे संपर्क किया था। वे उसे धमकी दे रहे थे कि लोकायुक्त और ईडी की टीम उसके खिलाफ कार्यवाही करने वाली है। कार्यवाही से बचाने के एवज में वे पहले 40 लाख और फिर 10 लाख की डिमांड कर रहे थे। लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा इस मामले में छिंदवाड़ा एसपी को जानकारी दी गई थी, जिसके बाद एसपी विवेक अग्रवाल के निर्देश पर जुन्नारदेव थाना पुलिस ने आरोपी योगेश तिवारी और मुकेश डहरिया के खिलाफ कार्यवाही की है। मंगलवार सुबह गुलाबरा में युवक का शव कुएं में तैरता मिला, जिससे सनसनी फैल गई। दरअसल मृतक गुलाबरा के वार्ड नंबर 45 में रहता था, जिसका नाम दीपक पिता विनायक राव बताया जा रहा था। वह लंबे समय से लीवर की बीमारी से जूझ रहा था, इसके चलते उसने आज सुबह कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। सीएसपी प्रियंका पांडे के मुताबिक परिजनों ने 3 दिन पहले युवक को लीवर संबंधित बीमारी की वजह से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया था। सोमवार रात से मृतक जिला अस्पताल से लापता था। मृतक का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच में मृतक के शरीर पर किसी तरह के घाव नहीं मिले हैं। घटना किन परिस्थितियों में हुई पीएम रिपोर्ट के बाद पता चल पाएगा। राजस्व और गैर राजस्व वसूली में छिंदवाड़ा नगर पालिका निगम लगातार 5वें वर्ष अव्वल आया है। नगरी प्रशासन और विकास विभाग भोपाल द्वारा नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा को दिए गए लक्ष्य 32.43 करोड़ के विरुद्ध 19.47 करोड़ की वित्तीय वर्ष में वर्तमान तक वसूली किए जाने पर 16 नगर निगमों में छिंदवाड़ा नगर पालिका निगम सबसे आगे रहा। निगम कमिश्नर राहुल सिंह के द्वारा इसके लिए शहर के नागरिकों को शुभकामनाएं दी गई है। कलेक्ट्रेट और निगम के 150 सरकारी कर्मचारियों पर मंगलवार के दिन चालानी कार्यवाही की गई है। यह कर्मचारी बिना हेलमेट पहने वाहन चलाते हुए शासकीय दफ्तर पहुंचे थे, जहां पर यातायात पुलिस के द्वारा हेलमेट पहनने की सीख देते हुए कर्मचारियों पर चालानी कार्यवाही की गई है। दरअसल बीते दिनों कलेक्टर शीतला पटले के द्वारा हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसके तहत कलेक्टर ने सभी शासकीय दफ्तरों और शैक्षणिक संस्थाओं से इसकी शुरुआत करते हुए निर्देश दिए थे। इसी क्रम में आज यातायात डीएसपी सुदेश सिंह के द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर और निगम परिसर में बिना हेलमेट दफ्तर पहुंचने वाले दोपहिया वाहन चालकों पर चालानी कार्यवाही की गई है। 50% से अधिक मृत्यु दोपहिया वाहन चालकों की होती है, जो बिना हेलमेट वियर किए और सड़क पर वाहन चलाते हैं। इसी को देखते हुए माननीय न्यायालय के निर्देश पर और जन सुरक्षा को देखते हुए सभी जगह सभी लोगों के लिए जो दोपहिया वाहन चलाते हैं हेलमेट अनिवार्य किया गया है। इसी अभियान के तहत जिला छिंदवाड़ा में सभी शासकीय कर्मचारियों को माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा, पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा हेलमेट पहनने के लिए निर्देश जारी किए हैं, जिसके पालन में आज भी जिला कलेक्ट्रेट के सामने और नगर निगम कार्यालय के सामने, पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने एवं सभी ऐसे शासकीय कार्यालयों के सामने जहां पर हमारी पहुंच हो सकती है हेलमेट वियर करने का अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर शीतला पटले के द्वारा 215 आवेदकों की समस्याएं सुनी गई। इस दौरान जनसुनवाई में शहरी और ग्रामीण दूरस्थ अंचलों से आए आवेदकों ने सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। जनसुनवाई में एडीएम ओपी सोनाडिया, एसडीएम अतुल सिंह, संयुक्त कलेक्टर अजीत तुर्की, तहसीलदार सहित सभी विभाग प्रमुख अधिकारी मौजूद थे। नया फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए लाए हैं आकर्षक फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की विशाल रेंज। इस गणेश उत्सव सोफा सेट की खरीदी पर 30% की विशेष छूट। डीडीसी कॉलेज के सामने नागपुर रोड एवं आदर्श नगर कृष्णा टावर के पास परासिया रोड।
सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में, उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रेवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। ग्राम पंचायत चार गांव के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन देते हुए माल्यानवाड़ा से लेकर चार गांव तक नहर निर्माण किए जाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना था कि चार गांव से माल्यानवाड़ा महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। माल्यानवाड़ा तक माचे गोरा डैम की नहर बन चुकी है। यदि उनके गाँव में भी नहर बन जाती है तो इसका फायदा 500 किसान परिवारों को होगा। माचा गोरा डैम माल्यानवाड़ा तक माइनर इरीगेशन का पानी आ चुका है। वहाँ से हमारा गांव मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर नहर छूट गई है जाने के लिए। उसके लिए आवेदन देने के लिए आए हैं और मैडम से निवेदन भी किए हैं और सूचना भी दिए हैं कि अगर हमारे गांव तक गर्मी तक पानी नहीं पहुंचता है, काम चालू नहीं होता है, तो हम विधानसभा एवं लोकसभा दोनों चुनाव का बहिष्कार समस्त ग्रामवासी मिलकर करेंगे। इसी प्रकार माचे गोरा बांध की खेर घाट केनाल में खराबी के कारण ग्राम आमगांव, पिपरिया खेती, पोनिया, पंचगांव, टॉप खेर घाट के किसानों को नहर से पानी नहीं मिल रहा है। इसे लेकर भी किसानों के द्वारा जिला प्रशासन से शिकायत की गई। किसानों का कहना था कि 30 नवंबर को माचा गोरा बांध से पानी छोड़ा गया था, जिसके चलते उन्होंने फसल की बोनी कर दी थी, लेकिन खेर घाट केनाल में खराबी आ जाने के कारण नहर में पानी नहीं आ रहा है। इससे किसानों के बीज और खाद खराब हो रहे हैं। उन्होंने जल्द इसे दुरुस्त कराने की मांग प्रशासन से की है। कलेक्ट्रेट प्रांगण स्थित वरिष्ठ सुविधा केंद्र में वरिष्ठ नागरिक मंच के पदाधिकारियों और सदस्यों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन के विभिन्न कार्यों और वरिष्ठ नागरिक के अधिकारों को लेकर चर्चा की गई। वरिष्ठ नागरिक मंच महामंच की बैठक वरिष्ठ सुविधा केंद्र में आयोजित की गई है। आज बैठक में डॉक्टर वीरेंद्र सिसोदिया अध्यात्म के ऊपर चर्चा करने आए हैं और वह अध्यात्म के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हमारा प्रथम जो खंड था आज की बैठक का, वो अध्यात्म के ऊपर था। सेकंड जो पार्ट रहेगा वो मानव अधिकार के रूप में रहेगा। मानव अधिकार के रूप में भी हमारे बीच वक्ता आएंगे और मानव अधिकार के अधिकारों के बारे में भी वक्ता के रूप में वक्तव्य देंगे। जिला पंचायत सभा कक्ष में स्थायी शिक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार, उपाध्यक्ष अमित सक्सेना सहित शिक्षा समिति के सभी सदस्य और जिला विभाग के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था, शिक्षकों की कमी, मध्याह्न भोजन सहित अन्य मुद्दों पर जनप्रतिनिधियों के द्वारा चर्चा की गई। चित्रांश भवन में कायस्थ समाज महिला मंडल के द्वारा आज विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसके अंतर्गत कायस्थ समाज की वरिष्ठ महिलाओं को महिला मंडल के द्वारा शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम हमारे चित्रांश महिला परिवार द्वारा बुजुर्ग कायस्थ महिलाओं के सम्मान में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारा कायस्थ समाज में बुजुर्ग महिलाओं के सम्मान को बढ़ाना और हम लोगों को उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना है, यही हमारा उद्देश्य है। क्योंकि बुजुर्ग लोगों को आज युवा पीढ़ी दरकिनार कर रही है, तो हम लोगों का मेन उद्देश्य इस कार्यक्रम के द्वारा युवा पीढ़ी को भी ये नसीहत देना है कि वो बुजुर्गों का सम्मान करें, उनका आदर करें।